मकान को खड़ा करने के लिए मेन पिलर तो होता है, स्तंभ होता है, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कालम कहते हैं। लेकिन मकान में छोटे छोटे जो पिलर होते हैं, जो दीवारें होती है, वे भी छत के भार को रोकने में मदद करती है, उस मकान की शोभा बढ़ाने में मदद करती है। वे पतली पतली दीवारें कमरों का डिवाइडेशन करने में हेल्प करती है। अगर वो पतली पतली दीवारें ना हो ईंट की, तो मकान तो भंभोड़ा रहेगा, उसमें कमरों की कटिंग हो ही नहीं पाएगी। इसलिए उस ईंट के भी महत्व को समझो। अभी इस आश्रम में जो ये आंगन बना हुआ है द्वार, इसमें टूटे हुए ईंटों के गुटकों के रोड़ा तोड़कर डाले जा रहे थे, तो मैंने सोचा देखो रोड़ा दीवार में तो नहीं जुड़ सकता है, लेकिन रोड़ा फर्श के नीचे दुर्मुट से कूट कर एक मशीन होती है जिससे उसको रौंदते हैं, रोलर से दबाकर सबसे नीचे वो बैठ जाता है, और उसके ऊपर मोरंग और सीमेंट मिक्स करके, बालू मिक्स करके डाल करके ऊपर टाइल लग जाता है। टाइल तो सब देखते हैं, जो आता कहता वाह टाइल बहुत अच्छा लगा, रोड़े को कौन याद करता है, रोड़ा नीचे दबा पड़ा है, सारा लोड तो रोड़ा लिए हुई है, और रोड़ा का कोई नामो निशान नहीं, रोड़ा अंदर अंदर मुस्करा रहा है कि मैं हूँ इसलिए टाइल है, मैं हटूँ तो टाइल टूट जाएगा, ये लोड ले नहीं सकता। इसलिए याद रखना, ये रोड़ा और रोड़ी और मोरंग और बालू, इसका भी एक भवन के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान होता है। आपके घर में छोटे छोटे सदस्यों का, बहू का, बेटी का, पोती का, नतनिन का, सासू का, जो बूढ़ी सासू है एकदम रप्पल ढप्पल डिम्पल टिम्पल, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति सबके महत्व को समझता है वो स्वयं महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो किसी के महत्व को समझता नहीं है वो महत्वहीन हो जाता है। दूसरों के महत्व को भी समझो। हमारे गुरुदेव हैं 101 वर्ष के, सुबह से दर्शन देते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, विश्राम करते हैं, वो दर्शन देते हैं। कम से कम लोगों को आश्वासन मिलता है, भरोसा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। यदि वो ना होते दर्शन कौन देता है, तो सीधे हमको ही दर्शन देना पड़ता, तो मैं बहुत थक जाता, बहुत बिजी हो जाता, लेकिन अब मैं बच जाता हूँ। एक बुजुर्ग भी तुम्हारे घर का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन द्वार पर बैठ करके आपके घर की शोभा बन जाता है। इसलिए बुजुर्गों को भी दूर मत करो। हमारे पास में बहुत से संत रहते हैं, बुद्धिमान से बुद्धिमान संत है, ब्रिलियंट संत है, मीडियम बुद्धि के भी संत है, ऐसे भी संत हैं जिनका शरीर बहुत स्वस्थ है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ तंदुरुस्त, ऐसे भी संत हैं जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है, थोड़ा रोगी है, जरा सी गर्म हवा लग जाए गिर जाते हैं, हो क्या हुआ, बोले बुखार आ गया, लेकिन उनको भी मैं रखता हूँ, वो भी शोभा है, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन पगड़ी बांध कर बैठेंगे तो कम से कम मैं देखूँगा तो अच्छे लगेंगे। गुलाब ही गुलाब के फूल डलिए भर कर रख दो, तो गुलाब के फूलों का भी महत्व कम हो जाता है, लेकिन गुलाब के साथ में गेंदा, जूही, बेला, चंपा, चमेली भी सब रख दो, तब उसमें लोगों की नज़र जाती है, कंपैरिजन करती है दृष्टि, तब देखते हैं और कहते हैं कि वाह
फूल तो सब हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुलाब टॉप का है। गुलाब को अगर टॉप का बनना है तो गुलाब को सभी फूलों को साथ रखना पड़ेगा। साथ के बिना कंपेरिजन कैसे होगा, तुलना कैसे होगी, टॉप के कैसे बनोगे? इसलिए सब फूलों को साथ रखिए। कुछ संत ऐसे हैं जो कुछ बुद्धि का स्मरण नहीं, कुछ याद नहीं, बड़े सीधे साधे भोले भाले, लेकिन प्रेम बहुत। कुदरत हर व्यक्ति को कोई न कोई गुण देती है, जीने के लिए कुछ न कुछ कला देती है। हमारे साथ में एक बाबा आए हैं अभी, हरिपाल दास खड़े हो, उनसे मैंने कहा बाबा नाश्ता कर लो। बोले कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। हमने कहा बाबा कपड़ा मिला कि नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मिल जाएगा। तसल्ली, संतोष। कितने लोग ऐसे हैं जो उनको सामान न मिले तुरंत पूरे हिंदुस्तान को हिला देंगे, एटम बम समझो उनको। वो कहते हैं हम बाबा बने, बाबा नहीं तुम बम बम बाबा। कहे के बाबा, संतोष नहीं, तसल्ली नहीं, इतना क्रोध भरा हुआ है, एक छोटे से सामान के लिए इतना दिमाग गर्म क्यों हुआ? कितने घरों में स्त्रियां हैं, सामान मिले चाहे कम मिले, देर में मिले, कभी मिले, ठीक है, खुश रहती काम करते। कितने घरों में तो ऐसी ऐसी बहुएं हैं खतरनाक, अगर सुबह बोल दें कि सामान चाहिए, बैठो बाबा, और शाम तक मिला नहीं तो रातों रात पति के पेट का ऑपरेशन होगा, फिर खंजर लेकर खड़ी है। हाँ, अली बाबा और 40 चोर, 41 ही चोर खड़ी है। अब पति खतरे में है, आज पति घर में प्रवेश करने में डर रहा है, जी ताड़ू का बुआ बैठी है, मार डालेगी। बड़े बड़े धुरंधर लोग पत्नी को घबराते हैं, पत्नियों का विकराल रूप देखना हो कभी अगर। सत्संगी भाइयों बहनों के घर में तो पत्नियां ऐसे हैं जैसे देवियां हैं, देवियां, लेकिन जिनके घर में सत्संग का भक्ति का कोई प्रभाव नहीं, उनके घर में नारियों का रूप देखो जाकर के, तुम बिल्कुल कनक भूधरा कार शरीरा, सुपर्णखा की बड़ी बहन सबको खा जाएगी। न जाने कितनी गाली बकती है, लेकर जो हाथ में है वही सामान लेकर मारने दौड़ती है। सब्जी काट रही चक्कू से तो चक्कू लेकर ही दौड़ पड़ती है। अगला डर गया कि इतना बड़ा भयानक अपराध नहीं जो चक्कू मारो, ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ मार दो, पर चक्कू था, चक्कू दिखा दिया। बिना विवेक का काम है। सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सत्संग के प्रभाव में डूबा हुआ इंसान बहुत कुछ सावधान होता है, शीतल हो जाता है। सत्संग का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने भी दीजिए, ऐसा नहीं है 12 वर्ष प्रबोधा रहा लोध का लोधा, कोई असर नहीं पड़ा, पल्लव झार सत्संग सुन लिया। एक सेठ सत्संग में बैठा था, घर पे कस्टमर आ गए, सेठानी ने एक बच्चे से कहा जाओ सेठ को बुला के लाओ। वहां सत्संग में गए, वो लड़का चला गया, सत्संग धूमधाम से चल रहा था, लड़का पीछे बैठ गया सुनने लगा। एक घंटे बाद प्रवचन समाप्त हुआ, लड़के ने जाकर अपने बाप से कहा कि सेठ जी घर पे कस्टमर आए हैं, चलो। बोले कितनी देर हो गई तुझको? बोले एक घंटे से आया हूँ, सत्संग धूमधाम से चल रहा था, आप रुचि सुन रहे थे इसलिए व्यवधान नहीं डाला। बोले एक घंटे से तू कहाँ था? बोले मैं पीछे बैठ कर सुनता। अरे पागल कहीं का, तू क्यों सुनता था? तेरा कोमल दिल है, ये साधु के शब्दों का असर पड़ जाएगा तो तू बदल जाएगा, तो ये दुकान कैसे चलेगी, डुप्लीकेट धंधा, ये गोरख धंधा। बोले पिताजी आप रोज सत्संग सुनते हो, आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। बोले तुझे क्या पता, ऐसे ऐसे कितने महात्मा पार कर दिया हूँ, धेला भर असर नहीं पड़ेगा। बोले कैसे नहीं पड़ेगा? बोले पत्थर दिल है मेरा। बोले और मेरा? बोले तेरा तो बिल्कुल कोमल है, ऐसे है जैसे बिल्कुल कपड़ा पानी में डालते ही भीग जाता है, मैं तो हजारों साल पत्थर में पड़ा रहे, पत्थर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब फोड़ोगे तो आग निकलेगी चिंगारी। पल्लव झार सुनता हूँ। बोले पल्लव झार क्या होता पापा? बोले पल्लव झार का मतलब है कपड़ा बिछा दिया, जो भी गिरा ऊपर से हमारे कपड़े पर भर गया,
जब उठकर चले तो उसको वहीं झाड़ दिया और कपड़ा कंधे पर धर लिया, चल दिया। तो जो भी ज्ञान बरसाया महाराज ने सब सुन लिया, और जब वहाँ से उठ के चले तो सब वहीं गिरा दिया, बिल्कुल जैसे के तैसे वापस हो गए, पल्लव झाड़ हो गए, पूरा झाड़ दिया गठरी वहीं। ये पल्लव झाड़ सत्संग सुनते बड़े चालाक बड़े खिलाड़ी, लड़के को डांटा बहुत। लड़का बोला कोई बात नहीं पिताजी, सत्संग ही तो सुना हूँ, कुसंग थोड़े सुना। गल्ले के व्यापारी थे घर, लड़का आया, पिताजी भी आए, गाय दौड़ कर आई, खाने लगी गेहूं के ढेर में से कुछ। पिता ने कहा जा इस गाय को पीट कर भगा। उसने कहा दया करना पड़ेगा पिताजी, संत जी सुना रहे थे जीव दया और आत्म पूजा। बोले यही तो मैं बता रहा था, तू सुन के सब बिगड़ गया, अब ये गाय सब खाएगी, इस तरह गायों को खिलाएगा। बोले एक मुंह खाया है। तो सेठ दौड़ा और गाय का मुंह पकड़कर दो डंडे मारकर मुंह से भी एक दाना बाहर निकाल लिया। बोले अरे गाय वाय में मानता कुछ नहीं, मैं तो किसी साधु को भी टुकड़ा नहीं दूंगा, एक किलो नहीं दूंगा, प्रवचन सुन लेता। बोले क्यों सुनते हो? बोले वहां जाकर मेरा परिचय हो जाता है, प्रचार हो जाता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, तो उससे हमारी दुकान चलती है, वो जितने श्रोता आते हैं वो सब दुकान हम सौदा खरीदते हैं। हमको ये सत्संग के लिए थोड़े जाते हैं, ना वो साधु के लिए जाते हैं, ना भक्ति भगता चाहिए, हमको तो वो श्रोता जो है ना उनसे कनेक्शन जोड़ना है ताकि हमारा सामान खरीदें, दुकान चले। बहुत चालाक लोग हैं, अभी इस तरह के लोग हैं, ईर्ष्या को मन से निकालिए, प्रेम की गंगा बहाइए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, कौन मार्ग? सड़क पर नहीं, जिंदगी की यात्रा में, जिंदगी के रास्तों में कोई दीन दुखी कमजोर आ जाए, सबको हृदय लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, कस्टमर से प्रेम करोगे दुकान अच्छी चलेगी, मरीज से प्रेम करोगे डॉक्टरी अच्छी चलेगी, जनता से प्रेम करोगे नेतागिरी अच्छी चलेगी, भक्तों से प्रेम करोगे आपका आश्रम भी अच्छा चलेगा, मेहमानों से प्रेम करोगे आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी, परिवार के सदस्यों से प्रेम करोगे आपका घर अच्छा चलेगा, मजदूर लेबर कर्मचारियों से प्रेम रखोगे आपका कभी कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन याद रखना